हमने रात को वो की थी डेकोरेशन, आंधी आई सब उड़ गया, उड़ गया घर के अंदर। एक ही साल की रह गई है। कितने दिनों बाद देखने बाद भाई इसकी सब सर्विस तो अपनी गाड़ी की बात ही अलग है। ये पूरा चेंज हुआ, रिप्लेसमेंट है पूरा। व्हाट इज दिस? एक तरफ और अपनी गाड़ी का ना फील ही अलग है भाई। तो जैसे मुझे गाड़ी मिले ना, आज जैसे पांच दिन के तुम कह सकते हैं कि लास्ट सैटरडे को मेरे को तो एक सप्ताह पूरा हो गया बिना गाड़ी के, कभी इधर कभी उधर बिना उसके ना भाई। जो प्रताड़ित हुआ हूँ ना मैं, वो मैं ही जानता हूँ भाई। तो गाड़ी के बिना ना हालत खराब। तो फाइनली आज आ गए, लेकिन सालों ने वेंट बजा दी भाई मेरी गाड़ी में ना। विंडशील्ड पे ना इन्होंने ऐसे ऐसे स्क्रैच किए ना, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे इन्होंने अंदर में खड़ी कर दिए बाहर। तो ये तो कोई गलत बात नहीं, इसको तो फाइट करना बनता है। लेकिन अभी जो मेरा एडवाइज़र था वो था नहीं, अभी एक बार फोटो उसकी जो पुरानी रिचेक की जाएगी कि भाई कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उसके बाद इस पर कंप्लेंट की जाएगी। वैसे मैं तो कंप्लेंट करूंगा ही, और कि भाई कि ये मेरे विंडशील्ड में बिल्कुल सही देखे गया था, उसके बाद साला ये क्या है इसका, ऐसा लग रहा है कि इसे कंकड़ मारे हो ना इस पर, फेंक फेंक के मारे हो, तो वो वाला सीन है। तो कोई नहीं गाइस, अभी हम अपनी गाड़ी मिल चुकी है। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये गाड़ी मिलते ही ना, गाड़ी को मिलने की ना एक्सट्रीम लेवल वाली खुशी है अभी, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ। तो मुझे वेट नहीं करना है कि भैया तावड़ी है कि क्या है, हम अपनी गाड़ी से निकल सकते हैं कभी भी। तो बस आज का कुछ नहीं, अभी पहले फिलहाल जा रहे हैं घर पे, घर से रेडी होंगे और उसके बाद निकलेंगे, पहले अपने जनरल काम करेंगे और उसके बाद जाएंगे भैया हम आरू से मिलने। बहुत तेज़ी आ रही है, चार दिन हो गए हैं तो आज उससे मिले नहीं है, और आज मोस्ट प्रोबेबली वो मुझे मिस कर रहा होगा। A few moments later. तो हम निकल रहे हैं भैया आरू से मिलने के लिए। फोर थोड़ी देर बाद घर पे इतनी भसड़ मची हुई ना कल के आंधी के बाद ना, भयंकर वाला जो है ना, घर में पूरा धूल धूल है। तो भी भैया खुद से करने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कल मेड आएगी वो करके जाएगी, वही संभालेगी, हमसे ना हो पाएगा। हमने तो हाथ खड़े कर दिए, यूं तूने बोला कि भैया हमसे ना हो। गाड़ी का सबसे ज्यादा खुशी इसको हुआ है आके, बस इसको समझ में आ गई मेरी गाड़ी आ गई वापस। चलो चलो अंदर चलो। आराम से धीरे धीरे के अंदर ना इस तरीके से खड़े होने का ना जुगाड़ नहीं बैठता, तो ये ना परेशान होता है कि भाई कहाँ खड़ा हो। यहाँ तो इसने फिक्स अपने जगह कर रखे भाई, इसके ऊपर होके खड़ा हो जाएगा यहाँ पर पूरा के पूरा। उसको समझ नहीं आएगा तो समझ नहीं आएगी तो मैं कल भाई सस्ते में निपट जा तू चॉकलेट का मौज कर। सही बात है ना यार, ये वाली जगह भैया यहाँ पर ना सिर्फ फोटोशूट और रीलरों का स्पेस है, फेवरेट प्लेस है। आरू के लिए भी लाए थे हम भी, आज रील बना लेंगे आरू भी, बहुत दिन हो गए तो इस वजह से। क्या हुआ है अभी, दो लड़के आए उन्होंने बोला फोटो खींचना, तो ठीक है चलो लेट्स सी कितनी अच्छी फोटो खींचते देखते हैं छोटू, देखते कितनी देखते कितनी अच्छी फोटो खींचते हैं। ठीक है 20 रुपीज वो नहीं है, तेरी भी खिंचवानी है फोटो? नहीं अभी तो नहीं। मम्मी कहाँ गई बिट्टू? मम्मी की फोटो गई, मम्मा गई, मम्मी को ढूंढ रहे, मम्मी को ढूंढ रहे, मम्मी कहाँ गई फोटो? ओके इधर बैकग्राउंड पीछे से भी अच्छा यार। ओ यार ये पीछे सही है, पीछे ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड है इसका। वो है क्या कहते हैं इधर से ना जीजू फोटो अच्छी आई है इधर से। हां यार ये सही है ना, अभी रुक जा देख। गिर नहीं जा, ओए गिरना मत, पकड़ो 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 पकड़ो। क्या है प्रीवेड नहीं हुआ था ना, तो अभी देखो फुल फोकस करके फोन आ गया उनका, प्रीवेड बना रहा है भाई। भाई उधर देखो जिधर, इसको पोज करने के लिए बोला गया है भाई। दिखा दिखा दे फोटो, तो दिखा हमें, हम तभी तो वो करेंगे, हम अप्रूव करेंगे तभी तो बात है। ओ भाई आई तो मस्त है। बैठो मैम एक बार दिखा दो तू अपने कैमरे में, तो फोकस पहले मेरी फोटो दिखाओ तो उसके बाद में दिखा जा। यार वो आरू की तो सर्कल देखो कि मम्मी का भयंकर वाली गर्मी होगी। कितना टेम्परेचर है अभी फिलहाल का अपना? लोग पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये फोकस उस पे लेगा तो आ जाएगा। भाई ओए ये गलत बात है, सुन इस तरीके से नहीं भैया, ऐसे थोड़ी ना होता पोज करवाने के लिए बैठे लो, हम लोग आपके पोज रिकॉर्ड करेंगे। आ जाओ ये क्या कर रहे हो भाई, ये बता। बैठ जाओ बैठ जाओ, उनकी पोजेस वाह वाह। अबे इससे अच्छे तुम्हारे शादी वाले ने खींच लिए थे। हाँ सच में आरू को देखो आप,
इंद्र भाई सुन कि क्या हो रहा है। अरु अरु क्या हो रहा है? अरु देख पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। अरे आप बहुत देर हो गई यार, बहुत देर हो गई नीचे बैठे बैठे। इतना कौन देर में, इतने देर में तो अच्छे कैमरे में, इतना ढीला कैमरा मैन नहीं है यार मेरा, ये गलत है। ये डीले कैमरामैन की 1.5 लाख खर्च करने के बाद भी अच्छी फोटो नहीं आ रही तो क्या फायदा इस फोन का, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। यार आईफोन ऐसा भी नहीं है यार, इतनी भी बुराई मत कर भाई आईफोन की, फोटोज बहुत अच्छी आती है इसमें यार, ऐसे क्या बात कर रहे तू। तो कहाँ गए लापिनोस? हेलो बर्थडे का, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कितने साल की होगी तुम? 18। ऐसे तो लड़कियों से एज नहीं पूछा करते। हमने रात को वो की थी डेकोरेशन, आंधी आई सब उड़ गया। उड़ गया घर के अंदर? एक ही साल की रह गई है। हाँ हो गई बस, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक पीस तो खाने दो भाई। वहाँ सो में खाओ, ट्राई करो कैसा लगेगा, टेस्ट बताना कैसा है। अच्छा होगा तो हम खाएंगे वरना नहीं खाएंगे। अच्छा है? अरे एक बार टेस्ट तो करो। पहली बार खा रहा हूँ मैं तो। है? मैंने हमेशा मैंने भी नहीं खाया कभी लापिनोज का पिज्जा कभी नहीं। मैंने हाँ हमेशा डोमिनोज। मजा होगा। नहीं खत्म हो गया। अबे तुमने 4-5 पिज्जे खा दिए? कितने? 1-2। अबे क्या, अबे मैं तो सोचा था ज्यादा होंगे। अभी और एक्स्ट्रा मंगवाने तुम लोगों को? ऑर्डर करने जा रहे हैं। अरे बाप, चलो चलो ऑर्डर की ऑर्डर दे खाएंगे पिज्जा। 4-5 दिन से भूखे थे तुम लोग? The next day. चलो भाई आज तो कहते हैं ना कि भाई ये थोड़ा सा वॉक वॉक है, जिम विम चालू कर दी जाए कि भैया पेट बढ़े जा रहा है और थोड़ा सा ना हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो भाई फाइनली अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह आज से हम शुरू करते हैं। फिलहाल से कौन सा दिन है, आज का दिन है, आज क्या है भाई? दिन ही याद नहीं है भाई, ऐसा जीवन कैसे किस काम का। फ्री में के लग रहा है कि भाई कि सब फ्री में मिल रहा है, इतना भयंकर भसड़ मची देखो पूरा, इसमें ना भीड़ बहुत भयंकर है। कोई नहीं, हमें तो जो लेना था कुछ तो ले लिया, बाकी कपड़े ख़त्म है, नहीं मिल रहा कुछ, नहीं मिल रहा इधर। मोनी सब ख़त्म है, मोनी ख़त्म है इधर, ख़त्म है भाई, ख़त्म ख़त्म।